हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर लेके आया हूं, जिसका नाम है मिनी टूल शैडो मेकर। ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में एक एक्स्ट्रा लेयर तो देगा सिक्योरिटी की, लेकिन साथ में आपके डेटा को भी प्रोटेक्ट रखेगा। अगर मैं आप सभी से क्वेश्चन में ये पूछूं कि आपके कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो फ्रेंड्स आप सभी क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स, वो चीज़ है डेटा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है अपने डेटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, सिर्फ इस वजह से कि हमारा डेटा जो है प्रोटेक्ट रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि डेटा की कितनी बड़ी वैल्यू है। और अगर आज की डेट में सबसे महंगी चीज़ मैं बोलूं, तो फ्रेंड्स वो डेटा ही है। ठीक है, तो इस डेटा को कैसे प्रोटेक्ट रखना है, इस सॉफ्टवेयर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, कैसे इंस्टॉल करना है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, हर चीज़ जो है आपको मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने वेब ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पे सिंपली गूगल में सर्च करना है मिनी टूल शैडो मेकर। फर्स्ट लिंक आएगा जो कि ऑफिशियल लिंक है, आप वेबसाइट का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है और इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। आप चाहे तो इसकी कुछ बेसिक डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, हैव अ ट्राई और अपग्रेड टू प्रो। पहले हम इसको ट्राई कर लेते हैं, पसंद आएगा तो हम प्रो में अपग्रेड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको क्लिक करना है और इस सॉफ्टवेयर का जो है परमिशन देना है, एडमिन परमिशन, जिससे कि आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ एडमिट परमिशन दे दी है, अब ये जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो नॉर्मल देखिए यहाँ पे आपको उसके टर्म्स एंड एग्रीमेंट को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, जो प्राइवेसी पॉलिसी है, और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है और कुछ ही सेकेंडों में ये सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए ये सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन देखने को मिला है सेटअप बैकअप करने का। ठीक है, तो अब पहले हम देख लेते हैं इसको बैकअप कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है सोर्स दिख रहा है और डेस्टिनेशन दिख रहा है। ठीक है, सोर्स मतलब है कि आपको कहाँ से बैकअप रखना है, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे आपको सेव करना है। तो सबसे पहले सोर्स में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है डिस्क एंड पार्टीशन और जो है फोल्डर्स का। तो अगर आप किसी डिस्क का डायरेक्टली बैकअप लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली डिस्क का भी दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर में आपको इसका जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है देखने को मिल जाएगा, जो सी ड्राइव आपके कंप्यूटर में अटैच है वो सारी लिस्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसमें आपको और भी ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल मैं इसको बैक करता हूँ। तो बैक करने पे यहाँ पे देखिए फोल्डर्स एंड फाइल्स का ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा है। आप चाहे तो किसी फोल्डर या किसी स्पेसिफिक फाइल का भी बैकअप जो है ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है सी ड्राइव ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइल्स का एक फोल्डर है जिसमें मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है, इसका मैं बैकअप लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बैकअप का जो है लोकेशन है मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले सी ड्राइव में जाके दिखा देता हूँ इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स पड़ी है। तो देखिए सी ड्राइव में मैं ओपन करता हूँ और ये रहा इंपॉर्टेंट फाइल्स का फोल्डर। तो देखिए इसको ओपन करते हैं और इस फोल्डर के अंदर जो है मेरी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। ठीक है, आपके केस में फाइल्स कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने फाइल्स का पाथ इसको दे दिया है जिसका हम बैकअप लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन मतलब कि आपको कहाँ पे सेव करना है इस बैकअप को। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। आप किसी भी ड्राइव में इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, चाहे एक्सटर्नल पेन ड्राइव में, आप किसी भी ड्राइव में इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ जी ड्राइव में और इसके अंदर जो है मैं इसको यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसी फोल्डर के अंदर जो है मैं इस बैकअप को जो है सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं बैकअप नाम से ही फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली जो है आपको ओके प्रेस कर देना है। तो देखिए फोल्डर मिल गया, आपको सिंपली इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके कर देना ओपन करके, जिससे कि पता चल जाए कि हम इस फोल्डर के अंदर इस बैकअप को सेव करना चाहते हैं। तो ये फोल्डर अब आप देख सकते हैं हमारे पास सोर्स भी आ गया और डेस्टिनेशन भी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे आपको शेड्यूलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप चाहे तो ऑटो बैकअप कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, आपको यहाँ से इसको टर्न ऑन करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो डेली का बैकअप ले सकते हैं या हर एक घंटे में बैकअप लेना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, वीकली, मंथली, ठीक है, और ऑन द इवेंट। आपके पास सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये ऑन द इवेंट जो है प्रो वर्जन में आपको देखने को मिलता है। तो आप जो है अपने ज़रूरत अनुसार जो है बैकअप जो है कर सकते हैं। मेरे को अभी ज़रूरत नहीं तो इसलिए ओके कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए स्कीमा में आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये अभी जो है हमारी फ़िलहाल किसी यूज़ का नहीं है तो इसको मैं फ़िलहाल जो है कैंसिल कर देता हूँ।
और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिए आपको इमेज क्रिएशन मोड देखने को मिलता है, ठीक है, फाइल साइज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है, कंप्रेशन वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप अपने ईमेल पे भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं इंस्टेंट, और ऑप्शन अपने ज़रूरत अनुसार आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे सिंपली हमने बैकअप लिया है और सिलेक्ट किया है, अभी बैकअप हमें लेना है। तो यहाँ पे बैकअप लेटर और बैकअप नाउ का ऑप्शन आ रहा है, हम करेंगे बैकअप नाउ। जैसे हम बैकअप नाउ पे करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको यहाँ पे यस करना है जिससे कि हम अपने बैकअप को क्रिएट कर सकें। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको यस कर दिया है और ये बैकअप जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप फाइल जो है आ चुकी है। ऐसी एक फाइल और फोल्डर की नहीं, आप जितने चाहे उतने ले सकते हैं, सभी की लिस्ट आपको जो है यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ से अपने सभी बैकअप को मैनेज कर सकते हैं, आपको सभी तरीके का ऑप्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हमने बैकअप ले लिया है, अब हम सी ड्राइव में जाते हैं और जो फाइल्स हमने बैकअप में ली है उन सभी फाइल्स को मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल, और देखते हैं कि क्या इसका बैकअप रिस्टोर हो पाता है या नहीं। तो सभी फाइल्स को मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब मैं इन फाइल्स को जो है रिस्टोर करने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कि रिस्टोर होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, चाहे तो किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर भी करा सकते हैं। तो अलग अलग ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ बैकअप का ऑप्शन आ गया है, जितने बैकअप होंगे सभी बैकअप को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो सा आपको बैकअप रिस्टोर करना है। तो देखिए यहाँ सी ड्राइव में मैंने इंपॉर्टेंट फाइल्स वाला बैकअप ले रखा है, सभी फाइल्स को चेक कर देना है, बाय डिफ़ॉल्ट चेक ही रहेगा। आप इसको अब टारगेट कर दीजिए कहाँ पे रिस्टोर करना चाहते हैं। तो मैं कहीं पे नहीं, मैं उसी फोल्डर के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स के अंदर ही इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ। तो सी ड्राइव में वापस आऊँगा और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा इंपॉर्टेंट फाइल्स को और इसके अंदर ओके कर देता हूँ। अब इसी फोल्डर के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स नाम का बैकअप जो है दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि आपका बैकअप जो है सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है। तो चलिए एक बार जो है हम चेक कर लेते हैं कि बैकअप जो है रिस्टार्ट यानी रिस्टोर हुआ है या नहीं। तो चलिए सी ड्राइव में आ जाते हैं वापस और चेक करते हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स। देखिए इसके अंदर सभी बैकअप फाइल्स जो हैं हमारी सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एडवांटेज जो है आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। ऐसे आपको इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, आप यहाँ पर सारे लॉक्स चेक कर सकते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में आपने कितना जो है बैकअप लिया। तो आपको यहाँ पर सारे स्टेट्स जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर बूट मेन्यू के ऑप्शन जो है ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव को माउंट कर सकते हैं, अनमाउंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं OS को क्लोन करना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, सोर्स डेस्टिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। ये बाकी कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको प्रो वर्जन में देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ भी कर सकते हैं। अगर आप सभी को सॉफ्टवेयर अच्छा लगे तो प्लीज़ इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही परचेज करना, और किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड मत करना फ्रेंड्स कि जिससे जो है आपके कंप्यूटर को हानि हो। और आप यहाँ पे फीडबैक में आके कंपनी को अच्छा सा फीडबैक दे सकते हैं जिससे कि वो अपने सिस्टम में अच्छा इंप्रूवमेंट लाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो जो है जरूर पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप सभी को कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप चाहे तो मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।